देखिए, अगर आप एक नॉन टेक से हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए एमएनसी को क्रैक करना, क्योंकि एमएनसी में यूजली अगर आप एक फ्रेशर जा रहे हो तो सबसे पहले ही क्रिटेरिया ये लिखा होता है कि उनको बैचलर बीटेक के लोग चाहिए होते हैं। तो जिन भी कंपनीज में बीटेक नहीं चाहिए होती, आप उन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टअप्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ जितने आपने मुझे स्किल सेट यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं, आई थिंक कि आपके पास बहुत ही अच्छे स्किल सेट है। इनके बेसिस पे आपको बहुत ही अच्छी जॉब्स मिल सकती है। आपको बस पता होना चाहिए कि आप किन किन पोर्टल्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप रेफरल के लिए बोल सकते हो। जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा कुछ आता है आई थिंक। और उसके अलावा मैं ये भी चीज कहूंगा कि मेन चीज का फोकस ये मत करिएगा कि आपकी जॉब कहां लग रही है, मेन चीज का फोकस ये कीजिएगा कि आपका वहां पर काम कैसा होने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टअप्स में एज ऑफ नाउ आप ऑप्ट करिएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स में ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ग्रो करने के और आपको ज्यादा मौके मिलते हैं बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं।